वंदे मातरम प्यारे मित्रों, आपके अपने चैनल कोर्टरूम बैटल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मंडलेकर है और मैं पिछले कई साल से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, ये चैनल हमने आप लोगों के लिए खास बनाया है ताकि आप कानून और नियमों की जानकारी हमसे ले सके। अगर आप कानून के विद्यार्थी हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखते रहिए कोर्टरूम बैटल्स। हमने आप लोगों के लिए होम बायर सीरीज बनाई है। अगर आपने घर खरीदा हुआ है या अगर आप मकान खरीदने वाले हो या अगर आपने अपना अपार्टमेंट या मकान बुक किया है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। प्यारे मित्रों, हिंदुस्तान में अपना एक छोटा सा घर हो, अपना एक छोटा सा आंगन हो, अपनी छोटी सी रसोई हो, ये नन्ना सा सपना हर हिंदुस्तानी स्त्री देखती है और ये सपना संजोए हुए वो बिल्डर के पास जाते हैं। बिल्डर और प्रमोटर हजारों लाखों हिंदुस्तानी लोगों को मकान बेचने के लिए पैसे लेते हैं और उनको चूना लगा देते हैं। अगर आप एक सामान्य हिंदुस्तानी नागरिक हो और आपने एक घर खरीदने का सपना संजोया है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि सामान्य नागरिक पाई पाई जोड़कर और बैंक से कर्जा उठाकर बिल्डरों को पैसे देते हैं लेकिन उनको अपना घर समय पर नहीं मिलता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि बिल्डर्स के पास सैंक्शन नहीं होता या परमिशन नहीं होती और वो स्कीम शुरू कर देते हैं। ऐसे सब हाउसिंग स्कीम शुरू होने के बाद करोड़ों रुपए बिल्डर्स सामान्य नागरिकों से ले लेते हैं और घर खरीदने वाले नागरिकों के साथ न्याय नहीं होता। प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैसे होता है ये देखा है। रेरा अथॉरिटी के पास बिल्डर प्रमोटर को जाकर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना अनिवार्य होता है और उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। लेकिन प्यारे मित्रों, बिल्डर का दायित्व क्या होता है और घर खरीदने वाले ग्राहक का अधिकार क्या होता है ये रेरा एक्ट 2016 में दिया गया है। सेक्शन 11 रेरा एक्ट 2016 में बिल्डर डेवलपर प्रमोटर का दायित्व क्या है ये पूरी तरीके से समझाया गया है। साथ साथ में घर खरीदने वाले ग्राहक का अधिकार क्या है ये भी बताया गया है। आज के वीडियो में बिल्डर के दायित्व और घर खरीदने वाले ग्राहक का अधिकार क्या है ये हम देखेंगे। कृपया अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। प्यारे मित्रों, बिल्डर प्रमोटर के सेक्शन 11 में क्या दायित्व है ये हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिल्डर प्रमोटर और डेवलपर को रेरा अथॉरिटी के पास जाकर अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर करना अनिवार्य है। हाउसिंग प्रोजेक्ट को पंजीयन करने के बाद वो प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होता है। सेक्शन 11 में यह बताया गया है कि रेरा अथॉरिटी बिल्डर प्रमोटर को एक लॉगिन पासवर्ड देगी और उस लॉगिन पासवर्ड के साथ प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी बिल्डर प्रमोटर वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इस जानकारी में क्या क्या होता है? प्यारे मित्रों, इस जानकारी में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है वो देना चाहिए। क्वार्टरली अपडेट होती है। प्यारे मित्रों, बिल्डर डेवलपर को अपने सारे अपार्टमेंट की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होती है। इस लिस्ट के साथ साथ अपार्टमेंट का नंबर और अपार्टमेंट का कारपेट एरिया कितना होगा ये भी रखना जरूरी है। साथ ही में इस लिस्ट को किसने बुक किया है, किस व्यक्ति ने अपार्टमेंट को खरीदा है ये जानकारी भी देना अनिवार्य है। ये सारी जानकारी बिल्डर डेवलपर को क्वार्टरली अपडेट करना होता है, मतलब हर 3 महीने में उसको अपडेट करना होता है। साथ साथ में कब पोजेशन लिया है ये भी देना अनिवार्य होता है। प्यारे मित्रों,
जब तक बिल्डर प्रमोटर अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्टर नहीं करता, तब तक वो किसी भी प्रकार से इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता और बुकिंग भी नहीं ले सकता। प्यारे मित्रों, जब बिल्डर प्रमोटर बुकिंग लेता है तो बुकिंग लेते समय अलॉटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। साथ साथ में जब भी अलॉटमेंट लेटर देंगे तब बिल्डर प्रमोटर को अपने ग्राहक को सारी जानकारी देना अनिवार्य है। ये जानकारी क्या होती है? बिल्डर और प्रमोटर अलॉटमेंट लेटर जब देंगे तब सारे सैंक्शंस ग्राहक को देने होते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आप घर खरीदने वाले ग्राहक हैं और आप बिल्डर प्रमोटर के पास बुकिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये आपका अधिकार होता है कि अलॉटमेंट लेटर लेते समय प्रोजेक्ट की सारी जानकारी बिल्डर आपको दे। उस जानकारी में सारे सैंक्शंस परमिशंस आपको देना अनिवार्य है। आपको मैंने जैसे कि बताया है पिछले वीडियो में कि बिल्डर और प्रमोटर को परमिशंस और सैंक्शंस लेना अनिवार्य होता है, जैसे कि उनको डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिखाना जरूरी है, बिल्डर और प्रमोटर को एक सैंक्शन मैप लेना जरूरी है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वो लेना जरूरी है, और साथ साथ में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको अपॉइंटमेंट जो किया गया है उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाना जरूरी है। प्यारे मित्रों, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है और डेट ऑफ पजेशन क्या है, ये भी अलॉटमेंट लेटर के साथ ही देना अनिवार्य होता है। ये सारी जानकारी वेबसाइट पर भी देना अनिवार्य होता है। तो अगर आप घर खरीदने वाले ग्राहक हो तो मत भूलिए कि आप सारी चीजें अपने बिल्डर से मांगिए, यह आपका अधिकार है। बिल्डर प्रमोटर जब आपसे एग्रीमेंट टू सेल करेंगे तब एग्रीमेंट टू सेल करते समय 20% से ज्यादा एडवांस अमाउंट वो आपसे नहीं ले सकते। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस एग्रीमेंट में प्रोजेक्ट की सारी जानकारी और सारे सैंक्शन भी होने चाहिए। अरे मित्रों, सेक्शन 11(4) रेरा एक्ट 2016, इसके अंतर्गत प्रमोटर को कई सारी चीजें करनी होती है और ये उसका दायित्व होता है। जैसे कि बिल्डर प्रमोटर को रेरा एक्ट 2016 के सारे प्रावधान और कानून का पालन करना अनिवार्य है। बिल्डर और प्रमोटर को समय सीमा में अपना अपार्टमेंट ग्राहक को देना अनिवार्य है। पजेशन देते समय बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अकुपेंसी सर्टिफिकेट ये भी देना अनिवार्य है। प्यारे मित्रों, बिल्डर प्रमोटर को अगर आपके अपार्टमेंट में किसी भी तरह के डिफेक्ट है तो वो सब डिफेक्ट दूर करके देना भी अनिवार्य है। प्यारे मित्रों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप घर खरीदने वाले ग्राहक है और आपने बुकिंग अमाउंट देके अलॉटमेंट लेटर ले लिया है, तो जब तक आपको सेल डीड नहीं प्राप्त होती या जब तक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एसोसिएशन को हैंडओवर नहीं होता, तब तक बिल्डर प्रमोटर का प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। प्यारे मित्रों, मेंटेनेंस चार्ज ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जब तक आप ऑफिशियली पजेशन नहीं लेते, जब तक आपको पजेशन लेटर नहीं मिलता और टाइटल डीड नहीं मिलती, तब तक पूरे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस ये बिल्डर और डेवलपर को करना पड़ता है। साथ ही साथ बिल्डर प्रमोटर को यह भी अनिवार्य है कि वो एक ग्राहकों का एसोसिएशन फॉर्म करे या तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करे। कॉमन एरिया के मेंटेनेंस का पूरा जिम्मेदारी बिल्डर का ही होता है जब तक कि वो एसोसिएशन को पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं कर देता। ऐसा कई बार पाया गया है कि प्रोजेक्ट बनने में 10 साल लग जाते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अकुपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होता है, टाइटल डीड सेल डीड भी नहीं होता है, लेकिन बिल्डर और प्रमोटर आपसे पहले ही मेंटेनेंस मांगना शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, रेरा एक्ट 2016 में ये उल्लंघन पाया गया है। प्यारे मित्रों, बिल्डर प्रमोटर को घर खरीदने वाले ग्राहक को कन्वेंस डीड, टाइटल डीड या सेल डीड भी करके देना अनिवार्य है। यह सेल डीड करते समय यह देखना बहुत जरूरी है कि आपको जमीन पर भी अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि खाली अपार्टमेंट या बिल्डिंग ही आपके नाम से नहीं होगी, लेकिन वो बिल्डिंग और अपार्टमेंट जिस जमीन पर खड़ा है उस जमीन का भी प्रोपोर्शनेट शेयर एक घर खरीदने वाले ग्राहक को उस सेल डीड के माध्यम से मिलना चाहिए। प्यारे मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह भी है
कि क्या बिल्डर आपके प्रोजेक्ट को किसी बैंक में मॉर्गेज रख सकता है। अगर आपके साथ बिल्डर प्रमोटर ने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है तो उस अपार्टमेंट को बिल्डर खुद के लिए मॉर्गेज नहीं रख सकता। हमने ये पाया है कि कई बार घर खरीदने वाले ग्राहक बैंक से हाउसिंग लोन लेते हैं, उस लोन लेते समय उनका अपार्टमेंट गिरवी होता है और बैंक को अधिकार होता है कि अगर ग्राहक पैसा ना दे तो उस अपार्टमेंट के ऊपर कब्जा कर ले, पजेशन ले ले, या तो फिर अपार्टमेंट बेचकर अपने पैसे वसूल करे। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि बिल्डर, प्रमोटर और डेवलपर ने आपका सारा तो सारा प्रोजेक्ट कहीं मॉर्गेज तो नहीं रखा। ये रखने का उनको कोई अधिकार नहीं है। प्यारे मित्रों, बिल्डर डेवलपर को सारे आउटगोइंग्स मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस, ग्राउंड रेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के चार्जेस ये भरने अनिवार्य है जब तक कि प्रोजेक्ट एसोसिएशन को हैंडओवर नहीं हो जाता या जब तक कि सेल डीड या टाइटल डीड घर खरीदने वाले ग्राहक के नाम से नहीं हो जाती, तब तक का सारा टैक्सेस, आउटगोइंग्स और ग्राउंड रेंट इत्यादि बिल्डर को देना होता है। प्यारे मित्रों, जैसे कि हमने आपको समझाया कि बिल्डर, प्रमोटर, डेवलपर के क्या दायित्व होते हैं, सेक्शन 11 में, रेरा एक्ट 2016 में बिल्डर और प्रमोटर को कुछ चीजें करना अनिवार्य है, साथ ही साथ में घर खरीदने वाले ग्राहक के ये अधिकार होते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हो या अगर आपने बुकिंग किया हुआ है तो हमारी आपको यह सलाह है कि सबसे पहले आप एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करें। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करते समय सारे दस्तावेज, सैंक्शंस और परमिशंस अपने बिल्डर से अवश्य लें। उसके बाद ये देखिए कि आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन में मतलब समय सीमा में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। बिल्डर का ये अनिवार्य कर्तव्य बनता है कि आपको पजेशन डेट में ही पजेशन दिया जाए। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अकुपंसी सर्टिफिकेट ये बिल्डर ने आपको अनिवार्य तरीके से देना जरूरी है। अगर वो नहीं दे पाता है तो आपको रेरा अथॉरिटी के पास शिकायत करने का पूरा मौका मिलेगा। बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर आपका अपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है, आपका बुकिंग कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो कैंसिल करते समय अगर एग्रीमेंट टू सेल में कोई क्लॉजेस दिए है तो उस क्लॉज के साथ ही आपको कैंसिलेशन करना होगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल का भी उल्लंघन होता है जो पंजीकृत है तो आपको बिल्डर के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। प्यारे मित्रों, हजारों लाखों हिंदुस्तानी जब घर बुक करते हैं तो ये पता चलता है कि बिल्डर ने कई कानूनों का उल्लंघन किया है। एक सामान्य नागरिक जब पाई पाई जोड़कर बिल्डर प्रमोटर को पैसे देता है और अपना एक छोटा सा सपनों का घर खरीदने की हिम्मत करता है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्यारे मित्रों, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने रेरा एक्ट 2016 ये हिंदुस्तान में घर खरीदने वाले लोगों के फायदे के लिए बनाया गया कानून है। इस कानून का अगर उल्लंघन होता है तो बिल्डर डेवलपर को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रेरा अथॉरिटी के पास है। प्यारे मित्रों, ये वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि आपके बिल्डर ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी है या फिर आपके साथ धोखाधड़ी की है तो मेरी आपको एक सलाह है कि आप तुरंत रेरा अथॉरिटी में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। आपकी शिकायत का पूरा निर्मूलन रेरा अथॉरिटी करेगी। साथ ही में अगर ये पाया गया है कि आपके बिल्डर ने रेरा एक्ट 2016 का उल्लंघन किया है तो बिल्डर पे कार्रवाई होगी, उसके हाउसिंग प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड छीन लिया जाएगा और उसको आगे काम करने से रोक दिया जाएगा। प्यारे मित्रों, अगर बिल्डर आपको तय की हुई निश्चित समय सीमा पर घर नहीं देता है तो शिकायत करने के बाद आपका अलॉटमेंट कैंसिल करके आपको पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट सहित रिफंड करने का आदेश रेरा अथॉरिटी दे सकती है। मेरे मित्रों, जिस दिन से आपने पैसा दिया है उस दिन से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्यारे मित्रों, अगर आपने या आपके रिश्तेदारों ने ऐसा कोई घर खरीदा है या बुक किया है और आपको पता चल गया है कि बिल्डर ने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो मेरी आपसे सलाह है कि तुरंत रेरा अथॉरिटी के पास जाके आपकी शिकायत दर्ज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।